मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अध्याय 1 भोजस्योदार्यम अर्थात भोज की उदारता। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 1 भोजस्योदार्यम, इसका अर्थ क्या हुआ? भोज की उदारता। आगे देखें, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज प्राह। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज प्राह। तब एकाएक द्वारपाल आता है और महाराज भोज से प्राह कहा, यानी महाराज भोज अपने दरबार में बैठे हुए हैं, तब तक एक द्वारपाल आता है और महाराज भोज से कहता है, क्या कहता है? देव, हे ईश्वर, हे देव, हे महाराज, कौपिनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। कौपिनावशेषो का अर्थ है नंगोटी मात्र धारण करने वाला, यानी जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न हो, मात्र नंगोटी ही धारण किया हो। हे देव, केवल नंगोटी धारण किया हुआ विद्वान द्वार वर्तते, द्वार पर आया है, इति इस प्रकार कहा। कौन? द्वारपाल। राजा प्रवेश इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ या बुलाओ। ततः प्रविष्ट स कभी भोजमालोक्य अदमे दरिद्रयानसो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुर मुमोच। ततः प्रविष्ट, वह प्रवेश करने के बाद, वह जो विद्वान था जो केवल नंगोटी धारण किया था, उसकी बात कही जा रही है। ततः प्रविष्ट, वह प्रवेश कर स कवि भोजमालोक्य अदा में दरिद्र नाशो भविष्यति। वह कवि क्या कहता है? भोजमालोकस्य, राजा भोज को देखकर, भोजमालोकस्य भोज को देखकर, अधम का अर्थ हुआ आज दरिद्र नाशो, दरिद्रता का नाश होगा भविष्य में मेरी दरिद्रता का नाश होगा। मत्वा तुष्टो, मत में विचार करके अर्थात मन में विचार करके हर्षाश्रुर मुमोच, हर्ष से अर्थात खुशी से उसकी आँखों से अश्रु दोनों तरफ लुढ़क गए, मुमोच लुढ़क गए। वह कभी प्रवेश करता है और राजा भोज को देखकर मन में मत्वा दुष्टो, मन में विचार करता है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, आज से मेरी दरिद्रता का नाश होगा। इस खुशी से उसकी आँखों से आंसू लुढ़क गए। राजा तम लोक्य प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, राजा तम लोक प्राय, राजा उसे देखकर कहा, कब है कि रोदस इति, कभी तुम क्यों रोते हो? राजा ने इस प्रकार कहा, कभी तुम क्यों रोते हो? तब कभी क्या कहता है हे राजन, अकर्मण मदगृहस्थम, मैं अपने घर की स्थिति को बताता हूँ। क्या कहता है? अकर्माण मद गृहस्थिम, मैं अपने घर की स्थिति को बताता हूँ। अय लज्जानुच पथि वचनमा कर्ण गृहिणी शिशौ कर्ण यत्नात् सुपिहितवती दिनवदना, मयि क्षीणोपय यद कृत दृश्याव श्रु बहुले तदंत शल्यम मे त्वमसि पुनरुद्धर्म तुमिर्चितः।
फिर एक बार देखें, अयो अय लज्जानुच पथि वचनमा करण गृहिणी शिशो करो यत्नात् सुपहितवती दीन बदना। अय लज्जानुच, लज्जानुच खेल खेल, अय अर्थात ले लो, जैसे मेरे घर के दरवाजे के सामने कोई पथि क्या करता है, खेल ले लो खेल ले लो। पथि, वह पथि क्या करता है, खेल ले लो खेल ले लो। वचनम कर्मण गृहिणी, यह वचन सुनकर गृहिणी अर्थात मेरी पत्नी शिशो कर्णो यत्नात् अपने दोनों बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक सुपहितवती यानी बंद करके दीन बदना, वह दीन मुख वाली, दीन यानी दुखी मुख से, चाहे वह दुखी मुख वाली मेरी पत्नी दोनों बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया यानी विधिपूर्वक उसे बंद कर दिया। फिर एक बार देखें, मेरे घर के सामने मेरे अजय लज्जानुच पथि वचन कर्माण गृहिणी, हमारे दरवाजे के सामने रास्ते पर पथिक द्वारा ये वचन किया गया, वचन कहा गया कि खेल ले लें खेल ले लो। मेरी पत्नी गृहिणी जो दीन मुख वाली अर्थात दुखी बदन वाली, दुखी मुख वाली अपने दोनों बच्चों को कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। और मई छीड़ो पाए यद कृति दृश्या वस्रु बहुले तदंत सल्यम में तौमिस पुनर्धर तुर्मुचता। मई छीड़ो छीड़ो पाए यद कृता दृश्या वस्रु बहुले, मई छीड़ो पाए अर्थात मुझ, छीड़ो पाए अर्थात धन से हीन, मुझ धन से हीन व्यक्ति को यद कृता दृश्या वस्रु बहुले अर्थात वह आंसुओं के बहाते हुए, नेत्रों से आंसुओं को बहाते हुए दृश्यवा देखने लगी। मुझ धनहीन को दीनता पूर्वक आंखों से आंसू बहाते हुए देखी या देखा। तदंता शैल्यम में तुमसी पुनरुद्धा तुम इच्छता, वह मुझे तदंता शैल्यम, वह मुझे कांटे के समान या सूल के समान तमस, मुझे उसका देखना मेरे हृदय में कांटे के समान लगने लगे या सूल के समान चुभे। उसका देखना दीन बदन दीन मुखड़े वाली आँखों में आंसू लिए हुए वह जब मुझे देखी तो वह देखने के बाद मेरे हृदय में सील अर्थात सूल अर्थात कांटे के समान चुभी। तमसी पुनरुद्धर तुम उच्चता, तुम ही मेरा उद्धार करोगे या आज के बाद तुम मेरा उद्धार करोगे या आज के बाद मेरा उद्धार हो जाएगा। फिर एक बार देखें, मेरे घर के दरवाजे के सामने पथिक द्वारा ये कहा गया कि खील ले लो, तो मेरी पत्नी अपने दोनों बच्चों को के कानों को विधिपूर्वक बंद करके वह दुखी मुख वाली अपने आँखों से आंसू बहाते हुए मुझ धनहीन को देखा। उसका देखना मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ गया। आप ही मेरा उद्धार करेंगे यह सोचकर मेरे आँखों से आंसू निकल गए। तमस पुनर्धर्मार्थ, तुम आप ही मेरा उद्धार करेंगे। राजा शिव इत उदरियन प्रत्यक्षरम लक्ष्मण दत्वा प्रवाह। राजा शिव कहता हुआ उदरियनम प्रत्यक्षरम लक्षरम दत्वा उदारपूर्वक प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्मण 1,00,000 दत्वा दिया। राजा शिव कहता हुआ उदारपूर्वक उस कवि को
प्रत्येक अक्षर पर 100,000 स्वर्ण मुद्राएँ दिया प्राय और कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ। त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ। त्वदगृह गृहिणी खिन्ना वर्तते, त्वदगृहिणी तुम्हारी पत्नी दुखी होगी, खिन्ना वर्तते दुखी होगी। अन्यद भोज शिवमहेश्वरम नमितो शिवालयमभ्यगछत। उसके बाद राजा भोज श्री महेश्वरम अर्थात श्री शिव जी या महेश्वर नमस्ते को प्रणाम करने के लिए शिवालयम भगछत अर्थात शिवालय में गए। अन्यथा उसके बाद भोज शिव जी को नमन करने के लिए शिवालय में गए। तदा कोपि ब्राह्मण राजनम शिव सन्निधौ प्राह, तभी कोई ब्राह्मण राजना राजा के पास सन्निधौ राजा के पास आकर प्राह कहा। तभी कोई ब्राह्मण राजा के पास आकर कहा, देव हे देव, अर्धदानव वैरिणा गिरिजाप्यार्धवरम शिवस्याहृतम देवस्थम जगति तले पुरहराभावे समुन्मिलत गंगा सागरम वरम सत्कला नागधीप क्षमातलम सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वमगतम तत्त्वं मातुं विछाटनम। उसके बाद वह देव वह ब्राह्मण राजा से कहा, अर्धदानव वैरिणा गिरजा गिरिजाप्यार्ध शिवस्याहृतम देवत्थम जगदी तले पुरा भावे समुन्मिलत। अर्ध दानव बैरिणा अर्थात विष्णु जी अर्थात दानव के बैरी अर्थात राक्षसों के बैरी अर्थात विष्णु जी, अर्धम आपके आधा यानी शिव जी का आधा भाग, अर्धम शिव जी का आधा भाग ये अर्थात विष्णु जी ने ले लिया। दानव बैरिणा अर्थात दानव के बैरी विष्णु जी ने ले लिया। गिरजा प्यार्धम शिवस्यर्तम यानी यहाँ शिव जी है शिवस्यर्तम शिव जी का आधा भाग विष्णु ने ले लिया, आधा भाग गिरजा अर्थात गिरजा का अर्थ है पार्वती जी, आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया क्योंकि शिव पार्वती जानते हैं तो ही बात बताया जा रहा है। यानी वह ब्राह्मण कह रहा है शिवस्यर्तम शिव जी का आधा भाग विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। देवत्थले देवत्थम जगती तले पूरा भावे समुन्न मिलत। देवत्थले उस देव अर्थात शिव जी का पृथ्वी पर पूरा भावे अभाव होने के कारण अर्थात पृथ्वी पर उनके न रहने के कारण इसलिए उस महेश्वर को का इस पृथ्वी पर अभाव होने के कारण इसलिए उस शिव जी का पृथ्वी पर अभाव होने के कारण। फिर एक बार देखें वह ब्राह्मण कह रहा है शिव जी के आधा भाग को विष्णु ने ले लिया, आधा उनके शरीर का आधा भाग पार्वती ने ले लिया, इस प्रकार इस पृथ्वी पर शिव जी का अभाव हो गया, इस प्रकार इस पृथ्वी पर शिव जी दिखाई नहीं दिए इसलिए कहा जा रहा है इस प्रकार शिव जी का इस पृथ्वी पर अभाव होने के कारण गंगा सागरम वरम सत्कला नगाधिप क्षमातलम। इसलिए गंगा जो शिव जी के जटाओं में बहती हैं वही गंगा सागरम सागर में चली गई, इसलिए वह गंगा जो शिव जी के जटा में विद्यमान है वह सागर में चली गई। अम्बरम सचकला और जो उनके जटाओं पर चंद्रमा है
अम्बरम वह आकाश में चला गया। नगाधिपः क्षमातले और जो शेष नाग उनके गले में विद्यमान थे क्षमातलम वे रसातल में चले गए, भूतल में चले गए। इस प्रकार जो शेष नाग थे वे भूतल अर्थात पृथ्वी के नीचे चले गए। सर्वज्ञत्वम मधीश्वरत्वम और सर्वज्ञता और अधीरस्वता किस में आ गया? गतम त्वम अर्थात तुम्हारे में चला गया, अर्थात हे राजा उन शिव जी की सर्वज्ञता और अधिसर्वता अधिस्वरत्व ये किसके में आ गया? ये तुम्हारे में आ गया। माँ तुम भिक्षाटनम और उन मुझमें क्या आ गया? भिक्षा मांगने का कार्य मुझमें आ गया, क्योंकि शिव जी सर्वव्यापी थे, सबको दान देते थे, सबकी रक्षा करते थे। उसी लिए कहा जा रहा है कि सर्वगत्व और अधीरसत्व ये राजा में चला गया और भिक्षा भी मांगने का कार्य करते थे, इसीलिए वह ब्राह्मण कह रहा है और भिक्षा का कार्य मुझ में चला आया। फिर एक बार देखना, वह ब्राह्मण राजा के पास आकर कहा, हे देव, शिव जी का आधा शरीर दानों के बैरी अर्थात विष्णु जी ने ले लिया और आधा शरीर उनकी पत्नी पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार इस पूरे पृथ्वी पर उस शिव जी के का अभाव होने के कारण गंगा सागर में चली गई और चंद्रमा आकाश में चला गया और शेषनाग भूतल में चले गए, पृथ्वी के नीचे चले गए। और शिव जी की सर्वज्ञता और अधिसर्वता वह आप में चली गई और भिक्षा का कार्य मुझ में आ गया। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा उसे तुष्ट संतुष्ट होकर तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ उसके प्रत्येक अक्षर पर एक एक लाख स्वर्ण मुद्राएं दिए। उस राजा उसे संतुष्ट होकर उसके प्रत्येक अक्षर पर एक एक लाख स्वर्ण मुद्राएं दिए। अब यहाँ से अगले वीडियो में इस इधर की व्याख्या करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और इसकी व्याख्या को आप जान चुके होंगे। अब अगले गद और पद जो भी हैं इस श्लोक उसकी हम व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।